नमस्कार, मैं प्रकाश श्रीवास्तव इस समय पहुंच चुका हूं मोती झील कानपुर में मौजूद है। और कानपुर में राजनीतिक मुद्दा किस तरीके बनते चला जा रहा है मेट्रो, यहां पर आप एक फीडबैक बोर्ड देख पा रहे होंगे। ये फीडबैक बोर्ड क्यों खास है, आज हम मोती झील के इस फीडबैक बोर्ड को क्यों कवर कर रहे हैं, ये इस फीडबैक बोर्ड को देखने के बाद ही पता चलेगा। एक व्यक्ति ने यहाँ पर लिखा है कि बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी, आपने हमारे कानपुर को मेट्रो दी, जय अखिलेश जय समाजवाद। वहीं पे एक और शख्स ने फिर से अखिलेश जी को धन्यवाद देते हुए लिखा है, माननीय श्री अखिलेश यादव जी, कानपुर में मेट्रो देने के लिए धन्यवाद। वहीं पे काफ़ी लोगों ने यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को भी धन्यवाद किया है, तो ये भी आप देख सकते हैं। वहाँ काफ़ी लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया, अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी भी यहाँ पर दर्शाई है। और वहीं पर आपको हम बता दें कि यहाँ पर सपा और बीजेपी में ताता लड़ ही रहा था, वहाँ पर एक व्यक्ति ने यहाँ पर एक और यहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया दी है कि बहुत अच्छी माया जी, बीएसपी संघ योगी जी को धन्यवाद। तो आप यहाँ पर यह भी देख सकते हैं कि यहाँ पर बीएसपी को भी, माया जी को भी धन्यवाद दिया जा रहा है, जिनका दूर दूर तक मेट्रो से नाता नहीं है। बहरहाल इसमें लोगों की क्या राय है, आइए चलते हैं मेट्रो में और उनकी राय जानते हैं। मेट्रो में पहुंच चुके हैं और मेट्रो में लोगों की राय को जानते हैं। आप किसको श्रेय देना चाहेंगे इस मेट्रो का? योगी जी को। आप यहाँ से हैं, कानपुर से? जी, गोरखपुर से, मतलब आप यूपी से हैं। तो आप यहाँ पर ये बताइए कि इसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, कानपुर मेट्रो को, आप इसको किसको श्रेय देना चाहेंगे, योगी आदित्यनाथ को कि अखिलेश यादव? क्यों? एक्चुअली हम गोरखपुर के हैं, तो हम योगी जी को ही देंगे। योगी मतलब हमारे वहीं के ही हैं जी। हमारे बीच अभी दो मैम आके बैठी हुई हैं और मेट्रो से ही हैं, यहाँ पे हम इनके कोर्ट पे देख पा रहे हैं, यूपी एमआरसी मेट्रो कॉरपोरेशन से। मैम पहले तो मेट्रो चलने लगी यार, आप लोग आई गेस मेट्रो में जॉब भी कर रहे हैं, तो पहले तो आपको बधाई हो। थैंक यू सो मच। मेट्रो जो है वो राजनीतिक रंग लेती चली जा रही है, जैसे अभी आपने मोती झील में देखा होगा एक फीडबैक बोर्ड है, वहाँ पे योगी जी को धन्यवाद दिया गया है, मोदी को किया गया है, चलो भाई अखिलेश यादव को भी हमने धन्यवाद दे दिया, लोग मायावती को भी धन्यवाद दे रहे हैं। अब लोगों का मैं क्या बताऊँ उनकी। आप किसको श्रेय देना चाहती हैं? देखिए मायावती का तो आई डोंट नो, ठीक है। सेकंड चीज है, योगी के वजह से अगर बना है जैसा कि हम लोग सुन रहे हैं, तो इट्स ओके अगर किसी को थैंक यू बोल रहे, क्योंकि ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है। फॉर मी इट्स वेरी गुड, बिकॉज इसमें क्या होता है, ट्रैफिक जाम से हम लोग बचते हैं, सेकेंडली डिस्टेंस एरिया जो होता है वो कवर हो गया है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिला है, हम लोगों को, न्यू जनरेशन को, और बहुत ही बेस्ट, मुझे तो बहुत अच्छी फैसिलिटी लगी और बहुत अच्छी यहाँ की एनवायरमेंट, जेंट्री, एवरीथिंग इज वेरी गुड। अखिलेश योगी, सॉरी आई कांट रिवील दिस। कल हम आगे बढ़ेंगे और भी लोगों से हम बात करते हैं कि आखिर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। आप किसको श्रेय देना चाहेंगे इस मेट्रो का? इस मेट्रो का श्रेय यहाँ के कर्मचारियों ने इतना लगन से काम किया है, इतना कम टाइम में काम किया है, तो हम किसी राजनीतिक पार्टी को श्रेय नहीं देना चाहते, हम मेट्रो की एम्प्लॉय को श्रेय देना चाहते हैं, और एमडी जो कुमार केशव जी हैं उनके श्रेय के अनुसार। वोट डालते हैं आप? हाँ हाँ जी, वोट डालते हैं। 4.5 साल में विकास मिला? विकास अगर जो एम्प्लॉय है अगर वो खुश नहीं है तो फिर विकास कोई मतलब नहीं है। जब एम्प्लॉय ही खुश नहीं है, आपको जीपीएफ वगैरह ईपीएफ वगैरह सारा चेंज कर रखा है, आप उन जब जो 60 साल का जो रिटायरमेंट था आप उसको चाहे जब कर सकते हो, तो फिर जब एम्प्लॉय ही नहीं खुश है तो फिर सरकार। तो ये था हमारा कानपुर मेट्रो का सफ़र, लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मिक्स प्रतिक्रिया दी, योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव दोनों को श्रेय यहाँ पर दिया। और यहाँ पर एक ही मांग है लोगों की, बस काम होना चाहिए और देश काम मांगता है। मैं प्रकाश श्रीवास्तव, कैमरा पर्सन रिमझिम के साथ, ग्लोबल बाउंड्रीज, अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।